सिविल अस्पताल टौनी देवी का सीवरेज टैंक लीक होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस ओर गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान करने की मांग की है। सिविल अस्पताल टौनी देवी का टपरे की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे सीवरेज टैंक बनाया गया है। काफी समय तक यह ठीक रहा, लेकिन कुछ समय से लीक हो रहा है। अस्पताल की ओर से आने वाला पानी भी इसमें निकल रहा है तथा अब खुले में बह रहा है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत विभाग से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस स्थान पर खुदाई भी की है, लेकिन अभी तक यह स्थान खुला ही पड़ा है तथा गंदगी सड़क की ओर बह रही है। गर्मियों का मौसम होता तो पास में रहने वाले लोगों के साथ ही रोगियों की नाक में दम हो जाता, लेकिन सर्दियों में भी यहां से गुजरना मुश्किल है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही स्थानीय बीडीसी सदस्य प्रेमलता ठाकुर व टपरे की वार्ड सदस्य संतोष कुमारी ने समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री का कहना है कि इसका जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा तथा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।